नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ, मैं हूँ अटल मूवी के टीजर के बारे में बात करेंगे। इस मूवी में ऐसा क्या खास होने वाला है, किस तरह का मूवी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरह का इस मूवी का कलेक्शन हो सकता है, और ये मूवी में लीड एक्टर कौन है, इनके डायरेक्टर कौन है, और किस तरह की ये मूवी हमको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अटल मैं हूँ अटल, तो ये मूवी होने वाली है बेस्ड ऑन अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके पूरी जीवनी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में, किस तरह से उन्होंने इलेक्शंस जीते, किस तरह से उन्होंने लोगों का दिल जीता, और किस तरह से वो देश के प्रधानमंत्री बने, किस तरह के चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, और उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। तो एक काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशनल बायोग्राफी की तरह ये मूवी को आप देख सकते हैं। इस मूवी के मेन डायरेक्टर हैं अपने रवि जाधव जी, जिन्होंने इससे पहले, आपको मैं बता दूं, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी मराठी मूवीज दी हुई हैं, जैसे 2009 में नतरंग, 2011 में बाल गंधर्व, 2013 में बालक पलक, 2014 में टाइम पास। इसके अलावा इस मूवी की मेन जो हाईलाइट हम देखें, तो ये मूवी है ना 19 जनवरी को आपको सिनेमा थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इस मूवी के टीजर को देखकर। तो भाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी तरफ से मैं रख रहा हूँ, क्योंकि जो पंकज त्रिपाठी हैं उन्हें मैं दूसरे मनोज वाजपेयी भी मानता हूँ, क्योंकि वो जो जिस कैरेक्टर को हाथ में लेते हैं उस कैरेक्टर के अंदर तक घुस जाते हैं। उस कैरेक्टर को जब उन्होंने ठान लिया तो उस कैरेक्टर की तरह ही बन जाते हैं, वैसा ही सोचने लगते हैं, और उनकी एक्टिंग तो मैं क्या ही कहूँ। आप सभी लोग जानते ही हैं किस तरह की लाजवाब एक्टिंग वो हमको करके देते हैं। कुछ ही एक से चुनिंदा कलाकार हैं इंडस्ट्री में, मैं मानता हूँ, जिस फिल्म इंडस्ट्री में, जो अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं, अपने कैरेक्टर को पूरा सा मतलब एक ओरिजिनलिटी देते हैं। तो उनमें से एक जो एक्टर हैं वो ये हैं पंकज त्रिपाठी जी। टीजर भाई काफ़ी शानदार है, आप भी इस टीजर को देख सकते हैं, और ट्रेलर भी आई थिंक आने ही वाला है। अभी तक तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आया नहीं है, अगर आता है तो हम उसका भी रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे। तो मेरी तरफ से भाई इस टीजर को रेटिंग रहेगा 10 में से 8.5, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी मैं मान के चलता हूँ 10 में से 8 ये आपको करके दे सकती है, क्योंकि एक ऐसे मौके पर मूवी आ रही है जब 26 जनवरी का समय होगा, लोगों के अंदर जो है देशभक्ति की भावना एक अलग लेवल पे होगी, तो ये मूवी काफ़ी अच्छा उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दे सकती है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब के बिना मत जाना, बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।